हेलो हाय नमस्ते, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई एजुटेक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फेसबुक टाइमलाइन के बारे में। आप में से सभी लोग, बहुत सारे लोग फेसबुक यूज करते होंगे, इसमें नो डाउट। लेकिन दोस्तों, आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि जब फेसबुक में आप नोटिफिकेशन देखते हैं तो बहुत बार आपको मैसेजेस मिलते हैं नोटिफिकेशन में कि आज इनका बर्थडे, आपके फ्रेंड का, उनकी टाइमलाइन पे विश करें, या इन्होंने आपकी टाइमलाइन पे ये पोस्ट किया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको अगर किसी की टाइमलाइन पे कुछ पोस्ट करना है, या ये जो फेसबुक की टाइमलाइन होती है ये बेसिक होती क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले अभी मैं फेसबुक पे हूँ, अपने अपने अकाउंट पे फेसबुक पे। तो यहाँ पर दोस्तों, फेसबुक जो टाइमलाइन होती है इस पे दोस्तों, आपका जो ऊपर प्रोफाइल दिखता है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, बेसिक जो पेज ओपन होगा यही है फेसबुक की टाइमलाइन आपकी। तो फेसबुक टाइमलाइन वही होती है दोस्तों, जहाँ से कि आप कोई भी चीज़ फेसबुक पर पोस्ट करते हैं, कोई फ़ोटोज़, वीडियोज़ या कोई भी एक्सपीरियंस अपना, जहाँ पर आप पोस्ट करते हैं। और यहाँ पर दोस्तों, फेसबुक टाइमलाइन पे आप अपनी जानकारी अपडेट कर सकते हैं, अपनी गतिविधि देख सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप कर सकते हैं अपने प्रोफाइल से रिलेटेड। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर देखिए, आप अगर फेसबुक अपना टाइमलाइन खोलेंगे तो नीचे जाएंगे तो आपको जितने लोगों ने टैग किया है आपसे, आप अपनी पोस्ट में, वो सारी टैग फ़ोटोज़ आपको पोस्ट यहाँ पर दिखेंगी। तो ऐसे करके आप, ये फेसबुक टाइमलाइन होती है यहाँ पर। अब बात करते हैं कि आप अगर किसी की टाइमलाइन पर कुछ पोस्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए बहुत ही सिंपल फंडा है। आपको कैसे जाना है, अगर किसी की भी टाइमलाइन पे आप कुछ पोस्ट करना चाहते हैं जो आपका फ्रेंड है, तो आप सीधा जाइए। आपको सीधा उसकी प्रोफाइल पे जाना है दोस्तों। प्रोफाइल पे जाने के बाद आपको मैं अभी दिखाता हूँ कि जैसे अगर आपको किसी की टाइमलाइन पे पोस्ट करना है तो अब दोस्तों, अगर आपको किसी की टाइमलाइन पे कुछ पोस्ट करना है तो सबसे पहले आप जाइए, जैसे कोई भी आपका फ्रेंड है उसकी प्रोफाइल पे जाइए। जैसे यहाँ पर मैं देखो, यहाँ पर एक मेरा फ्रेंड है, उसकी मैं प्रोफाइल पिक पे क्लिक करूँगा। आप जैसे उसकी प्रोफाइल पिक पे क्लिक करेंगे तो आप नीचे स्क्रॉल करके जाइए। स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे रहा है जैसे इनका नाम धीरज है, धीरज की टाइमलाइन पर लिखें। तो यहाँ से आप फोटोज़, वीडियो या जो भी है आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं इनकी टाइमलाइन। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, इसकी बेनिफिट के बारे में अगर बात करें तो अगर आप किसी की भी टाइमलाइन पे पोस्ट करते हैं कुछ, तो उसके साथ जिसकी भी टाइमलाइन पे आपने कुछ पोस्ट किया, उनके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उनके जितने भी फ्रेंड हैं, तो आपकी पोस्ट उन सबको दिखाई देगी, तो उसकी रीच ज़्यादा बढ़ेगी। उसमें भी सेटिंग होती है टाइमलाइन पे, अगर टाइमलाइन और टैगिंग जिसे बोलते हैं, टैगिंग और टाइमलाइन दोनों अलग अलग होते हैं लेकिन सेम करके चीज़ें वही होती हैं दोनों। तो दोस्तों, उसमें सेटिंग होती है, अगर उन्होंने ऑफ़ किया है कि जैसे उनकी टाइमलाइन पे आप पोस्ट करते हैं वो पब्लिक नहीं है या उनके फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करते हैं, तो किसी को नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर पब्लिक है, फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं, तो उनके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको जो आपने पोस्ट किया उनकी टाइमलाइन पर दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप फेसबुक टाइमलाइन का उपयोग करके किसी की भी टाइमलाइन पर कुछ पोस्ट कर सकते हैं जो उन्हें दिखाई देगा, मतलब प्रायोरिटी रहेगी, उनको भी दिखेगा और उनके जितने भी फ्रेंड्स हैं जिसके टाइमलाइन पे आपने पोस्ट किया उन सभी लोग को दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने बात की फेसबुक टाइमलाइन से रिलेटेड कुछ बातें। अगर आपको फेसबुक टाइमलाइन के बारे में कितना पता था, या आपको पहले पता था कि नहीं पता था, इसके बारे में अगर कुछ भी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।